राइबोसोम। हमारे अंदर जितने भी ऑर्गेनली है ना, सबके अंदर कौन सा है जिसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं है? जितने भी ऑर्गेनली है सब तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली बोला जाता है यूकेरियोट्स में, है? प्रोकैरियोट्स, राइबोसोम, क्योंकि यह खुला हुआ है तब भी आप लोग बता नहीं पा रहे। मेरा क्वेश्चन पूछने का तरीका ही गलत हो गया ना, पहली स्लाइड दिखा दिया मैंने और उसके बाद में पूछ रहा हूँ। तो ये कभी कभी कंपटीशन वगैरह में क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा ऑर्गेनली है जिसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, ठीक है? तो एक जनरल क्वेश्चन है और कई रिसर्चर इसको ऑर्गेनली भी नहीं मानते हैं क्योंकि वो मेम्ब्रेन ही नहीं होती, फिर ऑर्गेनली कैसे हो गया वो? तो ये भी चीज है। और हमारे जो यूकेरियोट्स है वहां पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली बनाया जाता पाया जाता है और ये यूकेरियोट्स का एक करेक्टरिस्टिक्स होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाएगा। कोई भी ऑर्गेनली आप नाम बता सकते हो किसके अंदर पाया जाता हो? सिर्फ राइबोसोम वहां पाया जाता है, ठीक है? वहां पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली कोई भी नहीं पाया जाता, ओनली राइबोसोम्स वहां पे पाए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोकैरियोट्स में भी है, यूकेरियोट्स में भी है और साथ में क्या है कि मेम्ब्रेन भी नहीं है इसके अंदर। तो अगर मेम्ब्रेन नहीं है तो ये काम क्यों कर रहा है भाई? मेम्ब्रेन है तभी तो वो स्पेसिफिक रोल कर पाएगा। सेल ने ऐसा सिस्टम ही क्यों बनाया जिसके अंदर मेम्ब्रेन ही ना हो? क्या सोचते हो आप? सही है। और लेकिन मेम्ब्रेन की जरूरत तो, जैसे हम जो भी ऑर्गेनली देख लें, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया देख लें, साइटोप्लाज्म देख लें, जो भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लें, सबके अंदर मेम्ब्रेन मिलेगी लेकिन इसके अंदर नहीं है, क्यों? और इसीलिए इसको ऑर्गेनली भी नहीं माना जाता है। कई लोग ऑर्गेनली भी नहीं मानते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है। एक्चुअली इसको जरूरत ही नहीं है मेम्ब्रेन की। मेम्ब्रेन होगा तो उसके ऊपर प्रोटीन होगा, पोर्स होगा, तो उससे काम में डिले हो सकता है, है ना? एंजाइम एनर्जी वेस्ट हो सकती है। इसका काम क्या है? सिर्फ प्रोटीन की सिंथेसिस करना और उसमें भी क्या साइट प्रोवाइड करना, जो ट्रांसफर आरएनए आ रहा है, जो मैसेंजर आरएनए आ रहा है, उसको जोड़ने का काम। तो और उसमें तुरंत ये काम होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो काम में डिले हम लोग करें प्रोटीन बनाने में, क्योंकि ये काम बढ़ा देगा एक्चुअली। तो इसलिए सेल जो चीज की जरूरत होती है वैसे ही सेल इवॉल्व होती है, इवोल्यूशन वैसे ही होता है। आपने देखा होगा डार्विन वगैरह के नियम में कि जो अंग हम यूज नहीं करते वो खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे, तो जिसका यूज नहीं है वो क्यों डेवलप करेंगे? तो इसलिए इसमें मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ और ये शुरुआत से ही सेल के साथ था, है ना? जब सेल पहली बार बनी होगी प्रोकैरियोट्स में तो भी राइबोसोम्स थे, बाकी जितने भी ऑर्गेनली हैं आपके यूकैरियोट्स में वो सारे के सारे मेम्ब्रेन वाले हैं। तो ये माना जाता है कि न्यूक्लियस में जो मेम्ब्रेन है तो ये न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से का ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई अलग नहीं है। न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है वही आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ गया, वही आपका रफ इंडोप्लाज्मिक में, वही आपका गॉल्जी एपरेटस में, वही आपका लाइजोसोम्स में, अलग अलग ऑर्गेनली जो जो है बने सब में मेम्ब्रेन है और सारे ही डिराइव्ड है आपके न्यूक्लियस से, ठीक है? तो ये शुरुआत से ही उसमें साथ में था, बाकी सारे ऑर्गेनली जब न्यूक्लियस बने उसके बाद में डेवलप हुए धीरे धीरे इवोल्यूशन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है क्योंकि इसलिए ये शुरुआत से है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अराउंड 150 to 200 डिग्री एगस्ट्रॉम और कंटेन्स प्रोटीन्स अप्रॉक्सीमेटली 40% प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए। ये भी क्वेश्चन एक पूछा गया था सेट ट्रू फॉल्स में, कहीं थर्ड ईयर में शायद पूछा गया था कि राइबोसोम कैसे बने हुए होते हैं, उसके अंदर क्या क्या होता है। तो राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन दो चीजें मिलकर बनी होती है, आरएनए होता है न्यूक्लिक एसिड और एक प्रोटीन होता है, और कितना है 60% 40%। प्राइमरी फाउंड इन द ऑल सेल्स आइदर इन फ्री स्टेट इन साइटोसोल और अटैच्ड टू द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों ही फॉर्म में ये अवेलेबल होता है। हम लोगों ने देखा कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये बाउंड होता है, लेकिन जब इसको काम करना होता है तभी ये बाउंड होता है। काम नहीं अगर करेगा तो ये फ्री मूव करेगा
और इसके स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट जो अभी मैं दिखाऊंगा वो भी फ्रीली अवेलेबल होते हैं, साइटोप्लाज्म में मूव करते रहते हैं। इसको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल बोलते हैं, नाम ही है इसका प्रोटीन फैक्ट्रीज। क्यों? क्योंकि ये एमाइनो एसिड्स को जोड़ता है और उससे प्रोटीन का निर्माण करता है। ये हमारा नो मेम्ब्रेन ऑर्गेनली ऑफ सेल है। प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है? ये एमाइनो एसिड है आपका, और ये प्रोटीन है। एमाइनो एसिड अलग अलग प्रकार का है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हो एस्पर्टीन, एस्पर्जीन, सीरीन, एस्पर्टेट, है ना, ग्लूटामेट, सिस्टीन, प्रोलीन, ल्यूसीन, हिस्टिडीन, ग्लाइसिन, टाइरोसिन, अलग अलग टाइप के एमाइनो एसिड, 20 टाइप्स ऑफ एमाइनो एसिड हैं तो बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है इसी प्रकार के एमाइनो एसिड होते हैं, लेकिन हमारे प्रोटीन के अंदर सिर्फ 20 प्रकार के ही एमाइनो एसिड का यूज होता है। ठीक है, तो जैसे माला होती है वैसे ही आपका एमाइनो एसिड जुड़ता है। जैसे माला आप देखते हो अलग अलग, उसमें मोतियां जोड़ के हम लोग एक माले टाइप की बना सकते हैं, तो वही यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि अलग अलग एमाइनो एसिड जोड़ के एक चेन टाइप में ये बनी हुई है। लेकिन ये चेन तभी काम करती है जब ये फोल्ड होती है। हम आने वाली क्लासेस में जब प्रोटीन पढ़ाएंगे तभी देखेंगे कि ये फोल्ड होती है, कैसी फोल्डिंग होती है वो भी देखेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टनरी, उस टाइप से ये फोल्डिंग होती है तब ये काम करती है। और ये राइबोसोम का सब सिर्फ काम यही है कि इनको जोड़ना, ये एमाइनो एसिड को एक दूसरे से जोड़ते हैं एज पर द इंस्ट्रक्शन अवेलेबल ऑन द मैसेंजर आरएनए। जैसे मैसेंजर आरएनए में इंफॉर्मेशन होगी वैसे ये जुड़ेंगे। और मैसेंजर आरएनए में इंफॉर्मेशन कहां से आएगी? राइबोसोम से। मैसेंजर आरएनए में कहां से इंफॉर्मेशन आएगी? डीएनए से। भाई डीएनए से आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए, फिर आरएनए से आपका प्रोटीन बनता है। तो डीएनए बताएगा कि हमें आरएनए बनाना है, आरएनए बताएगा प्रोटीन को कैसे जोड़ना है। तो ये पूरा फ्लो हमेशा सारे दुनिया में यूनिवर्सल है, सब में आप चाहे जो सी लिविंग सेल उठा के देख लीजिए ऐसे ही ये काम होगा। और इसी को हम लोग जो सेंट्रल डॉग्मा आप कह रहे थे वही बोलते हैं हम लोग। ओके, तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर अगर आप बनाना हो, ये अगर शॉर्ट नोट्स में आ गया तो आपने ये लिख दिया, इसके बाद आप इसे फिगर बना सकते हो कि राइबोसोमल आरएनए है, राइबोसोमल प्रोटीन है, ये दोनों मिलके आपकी सब यूनिट्स बनाते हैं। कौन कौन से? स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, एक बड़ा सा होगा और एक छोटा सब यूनिट होगा। ठीक है, और दोनों में ही होंगे, यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में। लेकिन यहां पे इनके राइबोसोम्स में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है? सेडिमेंटेशन कोफिशियंट का। व्हाट इज सेडिमेंटेशन कोफिशियंट? यहां पे कौन सा सेडिमेंटेशन कोफिशियंट पाया जा रहा है प्रोकैरियोट्स में? यहां पे कौन सा पाया जा रहा है? तो क्या है ये? एस, सेडिमेंटेशन कोफिशियंट, ये तो मैं बता रहा हूं। है बाइंडिंग साइट। अच्छा, और एडिटिव प्रॉपर्टी, नॉट एडिटिव, कैसे? हर जगह मैच 2+2=4 नहीं होगा। चलो आगे, फिर एस क्या है? बचपन से तो पढ़ते आ रहे होगे, मतलब बचपन से तो नहीं, ट्वेल्थ में तो पढ़ा ही होगा, ट्वेल्थ में एस नहीं पढ़ा हुआ है? मॉडर्न टाइप और ओल्ड टाइप। अच्छा अच्छा ओके, चलो बताते हैं। तो ये एस जो है यहाँ पे जो दिया हुआ है, दिस इज द सेडिमेंटेशन कोफिशियंट की यूनिट है ये, जिसे हम लोग सेडबर्ग सेडबर्ग बोलते हैं। सेडबर्ग एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने इस वाले फिनोमेना की खोज किया था। ठीक है, तो एस वो है। लेकिन ये एस बताता क्या है? इन दोनों में से अगर ये ज्यादा है और ये कम है तो उसका क्या मतलब होता है? ये 80S है तो क्या मतलब है? 70S है तो क्या है?
ज्यादा वाला क्या है और कम वाले से क्या फायदा, मतलब डिफरेंस क्या आएगा? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट और सेडिमेंट, नाम में इसके सेडिमेंट है ना, तो जिसमें ज्यादा एस होगा वो जल्दी आपका सेडिमेंट हो जाएगा। सेडिमेंट कैसे होगा, जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। आप किसी चीज को सेपरेट कैसे करोगे, कोई ना कोई चीज ये तो छलनी से करेंगे उसको, लेकिन हम इतना छोटा ये होता है जिसको हम सीव से तो नहीं निकाल सकते, कोई भी फिल्टर दुनिया का इसको फिल्टर नहीं कर सकता है, तो हम इसको एक दूसरी टेक्निक से यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूगेशन में आप देखते हो, आप घर में भी देखते हो, मट्ठा वगैरह बनाते हो तो उसमें भारी चीज नीचे आ जाती है और हल्की चीज ऊपर रह जाती है, तो वही चीज है ये। हम इसको सेंट्रीफ्यूज जब करेंगे हाई लेवल में, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज जो मशीन होगी उसमें काम होगा ये, तो 80s वाली जो स्पीड पे ये वाला हमारा सेडिमेंट हो जाएगा। जब हम लोग 80s की स्पीड तक आएंगे तो ये हमारा होगा। अगर हम 70s रहेंगे तो हमारा प्रोकैरियोट्स होगा। अगर हमको प्रोकैरियोट्स को करना है 70s तक हमको जाना पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब 80s है तो वो क्या होगा, जल्दी वो सेडिमेंट बन जाएगा। भारी है तो जल्दी वो सेडिमेंट में आ जाएगा, 70s हल्का है। ठीक है, तो ये होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, और इसी से हम दोनों को अलग करते हैं। लेकिन जब इसको हम तोड़ते हैं तो भी हमको यूनिट मिलती है 50s और 30s। इसका मतलब हो गया ये 50s पे सेडिमेंट होगा, ये 30s पे। हाँ, तो ये फिल्टर टाइप में हम कर सकते हैं उसको। हाँ ठीक है, तो ये एक तरीके से इसको हमको सेपरेट जब करना है, प्यूरीफाई करना है, तो हम ये कोफिशिएंट यूनिट काम आती है और इससे हम इसको रिप्रेजेंट भी करते हैं। ठीक है, अगर हम 80s की बात कर रहे हैं तो ये हम यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात कर रहे हैं, 70s की बात कर रहे हैं तो प्रोकैरियोटिक, वो तो मशीन के ऊपर उस पर आएगा ना, स्पीड पे आएगा, मशीन के ऊपर स्पीड, रोटेशन स्पीड कितनी है उसकी, वो दिखाई देगा उसकी। तो ये हो गया। तो यहाँ पे आप देखते हो कि स्मॉलर राइबोसोम जो है इलिप्सॉइड शेप का है, इट कंटेन्स 18s राइबोसोमल आरएनए एंड 30 प्रोटीन्स। ठीक है, 60s वाले में देखते हैं अगर, तो वो क्या दिखाई देता है, 28s 5.8। इस तरह से यहाँ पे राइबोसोम भी पाया जा रहा है और साथ में आपका प्रोटीन भी पाया जा रहा है, तो ये दोनों से मिलकर ऐसे करके बना हुआ होता है। ये हो गया। एक और चीज मैं बता दूं आपको, इवोल्यूशन के दौरान, इवोल्यूशन जब हुआ तो हम लोग इवोल्यूशनरी स्टडी कैसे करते हैं, हम लोग पुराना जो सैंपल होता है उसका राइबोसोम लेते हैं, उसके बाद उसके उसमें हम लोग क्या करते हैं, राइबोसोम में जैसे मान लीजिए हम बैक्टीरिया कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया का ये जो 16s राइबोसोमल आरएनए है इसकी स्टडी करते हैं हम लोग। इसकी स्टडी में ये देखा जाता है कि इसका जो सीक्वेंस है वो इवोल्यूशन में चेंज नहीं होता है। तो ये हम लोग जो भी ट्री वगैरह बनाते हैं वो 16s राइबोसोमल सब यूनिट के आधार पर बनाते हैं। जो भी आप फाइलोजेनेटिक ट्री वगैरह, फाइलोजेनेटिक ट्री जानते हो कि नहीं, आप नाम सुना है क्या है, जूलॉजी में पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ा होगा है? तो उसमें मॉडर्न क्लासिफिकेशन में ये आता है आपका। पहले हम लोग लक्षण के आधार पर क्लासिफाई करते थे, लेकिन अब इसके आधार पर करने लगे हैं, तो काफी कुछ ज्यादा हम लोग इसको स्पीशीज जो है वो इसके आधार पर करते हैं हम लोग। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, 16s राइबोसोमल इन द केस ऑफ बैक्टीरिया पुराने, हाँ क्योंकि कैसे वो इवॉल्व हुए, उसका सीक्वेंस कौन सा सीक्वेंस चेंज हुआ, पुराने वाले बैक्टीरिया का लिया, नए वाले बैक्टीरिया का लिया, इकोलाई से पुराने वाले और नए वाले का, और फिर इवोल्यूशन के आधार पर हम उसको मिलाएंगे और रिलेट करेंगे उसको करके।